खुशी की बात है, तुम्हारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन समझ में आ रहा है कितना जिम्मेदारी है। जी सर। चार बहन है, चारों को ध्यान देना पड़ेगा तुमको। माँ, उनकी शादी करानी है, मेरी माँ है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, 5 साल में रिटायर हो जाएंगे। बहुत पढ़ना पड़ेगा तुमको अच्छे से। जी पिताजी, मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो जी। नशा वशा से दूर रहना। हाँ बेटा, कैसे हो? खुश रहो। क्या चल रहा है? पढ़ा लिखा है? खाना पीना? मित्र तो बने कोई? हाँ तो ध्यान लगा के पढ़ो, सब मित्रता उत्रता तो चलती रहती है। ध्यान लगा के पढ़ो, तुम पे बहुत बोझ है, तुमको बात पता है ना, बहुत काम करना है अभी तुमको। टॉप करना है तुमको इस बार। घर आओ, टॉप करो, घर आओ, तुमको देखो जो तुम चाहोगे। और सब सही है ना? सब बढ़िया चल रहा है ना? सब ठीक है? हाँ पिताजी, दिक्कत तो थोड़ी बहुत है, कॉलेज तो हम आ गए हैं। अब यहाँ दिक्कत यह है कि अब अंग्रेज़ी आती है तो आपके दोस्त हैं, अंग्रेज़ी आती है तो आपको कक्षा में समझ में आता है। हम ठहरे गांव के आदमी, आज तक जितनी पढ़ाई लिखाई हुई है हिंदी में, हम जितनी अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि हमें आगे जाके बहुत काम करना है, अपनी बहनों की शादियाँ करनी है, बट ये उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा दिनों तक इसको झेल पाऊँगा, क्योंकि हम अगर टीचर से भी बात करने जाते हैं तो उनको लगता है कि हम बुद्धि से पैदल हैं, क्योंकि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती। हम अभी तक काफ़ी दिनों से सहे जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते कितने दिनों तक, और बहुत कुछ लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है पिताजी, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगोगे बेटा तो कैसे चलेगा? ये सब चीज़ें होती हैं, समय दो। हाँ देना पड़ेगा तुमको समय, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आगे बढ़ो और इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम्हारे पे समझो बहुत तुमको काम करना है, अभी बहुत बोझ है, हम लोग भी बहुत पिछड़े हुए हैं। पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ चलो आराम करो अब। भाई दोनों लोग टीम में सिलेक्ट हो गया भाई, मैं हो गया, आप तो पार्टी करेंगे जाके। बहन चोदो, अपने सीनियर से कुछ सीखो। आज तुम लोग का भाई गया था अपने डेट के साथ, तुम लोग कब जाना चालू करोगे? भाई तो पार्टी कब करना? और वो छोटे, क्या हाल है? क्या ही बोलूं, घर से कॉलेज आया था, सोचा था पढ़ाई लिखाई करूंगा, आगे बढ़ूंगा, और यहाँ तो ना कोई दोस्त मिल रहा है, ना ही किसी को फर्क है।
क्या ही फर्क पड़ता है मैं कल को चला जाऊँ, ना कोई पूछने वाला है ना कोई जांचने वाला, क्या है इतना अंग्रेजी से इतना लोगों को लगाव क्यों है? इंग्लिश में अंग्रेजी में उनको पढ़ाना है, अंग्रेजी में ही सबको बातें करनी है। अगर आप अंग्रेजी बोलते हो तो आप बहुत अच्छे हो, आपकी दोस्त बनेंगे, पर आपको अगर हिंदी आती है तो आप बहुत स्टैंडर्ड में नीचे हो। मुझे तो लगता है कि मुझे वो या तो मर जाना चाहिए या तो भाई तू बहुत ज्यादा सोच रहा है। अबे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा माधवचंद, मर ही जाएगा। वही तो दिक्कत है, मैं मर जाऊंगा किसे आपको फर्क पड़ेगा? कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। यहाँ कॉलेज आया था, सोचा था पढ़ूंगा, और पिताजी ने बोला था कि पूरा घर बार मुझे ही संभालना है। अब यहाँ जब समझ ही नहीं आएगा तो समझाऊंगा क्या, पढ़ूंगा क्या और समझूंगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। अबे मत सोच, खेल खेल तू खेल। इस बार तो मैं हार गया, पर मैं वापस आऊंगा। इस बार मुझ में ताकत नहीं थी, अगली बार मैं लड़ूंगा खुद से, अपने दिमाग से, इन हालात से, सब से, क्योंकि मैं तो अपने घर का चिराग हूं ना, मैं कैसे बुझ सकता हूँ? मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा, खुद से लड़ना होगा, खुद को साबित करना होगा। इस बार मैं हार गया, पर मैं लड़ूंगा और मैं वापस आऊंगा। आप मेरा साथ देंगे ना? खुदकुशी, सुसाइड, आत्महत्या, क्या जानते हैं आप इस शब्द के बारे में? तो बड़ा ही अजीब शब्द खुदकुशी, पर जो आदमी करता है वो खुद खुश नहीं रहता। क्या आपने कभी सोचा है जो आदमी अपनी जान लेता है उस पर क्या बीतती है? क्या आपने कभी ये सोचा है जब उसके शरीर में से उसकी रूह निकलती है तब वो क्या महसूस करता है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि उसे जानने वाले लोगों पे क्या बीतती है? क्या आपने ये सोचा है तो उसके परिवार वालों पे क्या बीतती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि उसके दोस्तों पे क्या बीतती है? नहीं, क्योंकि हमारे देश पे इन चीज़ों के बारे में बात ही कोई नहीं करना चाहता। क्यों? ये चिराग की कहानी है। ऐसे कई घरों के चिराग बुझते रहेंगे अगर हम इनकी पुकार न सुने। ये हमारे समाज के ऊपर है कि हम इनकी आवाज़ सुनें और इनकी मदद करें। आधे से ज़्यादा लोग जो अपना जान लेने वाले होते हैं पहले अपने दोस्तों को बताते हैं कि अब वो जीना नहीं चाहते, अब वो अपनी जान लेना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर होता है कि हम इन्हें समझाएं, इनका साथ दें और इन्हें ये महसूस कराएं कि वो इस दुनिया में अकेले नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोग जिएं और अपने सपने पूरे करें। इसके खिलाफ आवाज़ हमें ही उठानी है।